संगत जी आप जी को बेनती है कि धन धन बाबा राजा साहब जी जिन्हां दी बरसी का समागम अपने इलाके दे विच मनाया जा रहा है। सो हुण रात्रि दे जिहड़े दीवान हन उन्हां दी आरंभता होण लगी है। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज वो पंडालों के पहुँच चुके हैं, महाराज जी का प्रकाश हो चुकिया है, क्योंकि कई सोधन वास्ते सतगुर सच्चे पातशाह पहला मरदाने भेजा करते। आओ समा सवा नौ तक का अपना जो सैकटरी साहब ने सानू भाई दिता है सत्कार, जो भाई सतनाम सिंह जी बड़े निघे तो बड़े सज्जन बंदे ने, मिठी भाषा से प्यार बोलते हैं, तो बोल के ही अपना बना लेंगे ने। आओ मैनू हुक्म होया सी कि आप श्रीमान शिंदा कौल धर क्रांति टीवी वाले जिन्हों का भाई टीवी चैनल है बड़े प्यार सेवा करते हैं, तो अगों भी आप कि प्रोग्रामा से आप जिते भी लोड़ हो याद करते रहना, इन्हों का आप विशेष ध्यान रखना, क्योंकि वेखो इतों की आवाज देशों के विदेशों के पहुँचा रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं सारे सिंह, तो महाराज चढ़ती कला बख्शे सच्चे पातशाह। तो मैं तो बेनती करूँगा कि इन्होंने गुरसिखी जीवन भी बख्शे, तो चढ़ती कला में इस तरह कौम की सेवा कर। आओ जो मरदाना जी ने किया तैयार, कहते मरदानिया तू एवें ना पछता, पुरखा जिन्हें पैदा किया पानी जरूर पियाऊगा। महाराज इतने कितने पानी नज़र नहीं आता, कहते फिर तेरी एक कौम का बंदा, तेरे मजहब का बंदा, वह तेरी मत का बंदा, एक बलिया बलिया बली के नाते बली किधारी जाओ उत्ते पहाड़ से बैठा ही वो पानी का बहुत व्डा जखीरा दसीदा है, तो जाके वो पानी की मंग कर भांडा लै जा, आप छके तो साढ़े वास्ते करमंडल डोलू भर के लै भी। मरदाना जी बड़े खुश हुए, पर जो उठ के तुर लगे कह महाराज तुर तुर के तो पहला ही बुरा हाल आ, हुण तुसीं इस पहाड़ ते चढ़नू कहिंदे आ ते पिछे ताकत भी चाहीदी आ, ते प्यास तो पहला ही बड़ी ते पहला बड़ी लगी हुई आ, ते पहाड़ ते मैं किदां चढ़ा। महाराज कहिंदे मरदानिया तुरते सही, वह मालक ने आप ताकत बख्श देनियां। ये मरदाना जी पहाड़ ते चढ़न की तैयारी कर लगे, तो रिड़ते खिड़ते चढ़ते चुड़ते मालक की दित्ती हुई ताकत ना यह पहाड़ के उत्ते चढ़ गए। जाके वेख्या वाकई एक रब का फकीर रब का पीर बनया हुआ, जिहड़ा रब का नाम लेवा अल्लाह की बंदगी वाला जापता है, चेहरा बड़ा वधिया लगता, पर जो लागे गया मत्थे दे उत्ते त्यूड़ी वेखी। ये साध संगत याद रखियो साडा आउण जाण तुहाडे नाल ज़्यादा हुंदा घुमण दा, ये भी निंदिया नहीं विचार कर लगा मैं आप जी का, तो असी घर जाने तो सानू पता लग जाता किर चो सू दुध पीण मिलना या चाह खो चो के मिलनी है, चेहरे तो पता लग जाता भी चेहरा जिहड़ा दसदा भी इतों खाण पीण खुश हो के मिलेगा, तो कई घर मिलता जरूर आ पर उतों खुश हो के नहीं मिलता। मत्थे दियां सलवटर दस दियां घरवालियां दियां किन्ना प्यार करते हैं, किसी भी भैन भरा रिश्तेदार को जाइए उसका चेहरा दसता कि सानू किन्ना चाहता किन्ना प्यार करता है। जो इन्हें मत्थे दियां सलवटां वेखियां चेहरा भैड़ा जिहा लगा, आस टुट गई, कहिंदा इत्थों पानी नहीं मिलना, जाके जदों कीती बेनती ते पानी दी कीती मंग, मरदाना जी ने हाथ जोड़ के पहला तो अपने धर्म का आदर किया, सलाम फलाई सत्कार किया, सत्कार किया, तो गुरु प्यारियो उन्हें कोई सत्कार का जवाब ना दिता, उन्हें कोई सलाम का जवाब ना दिता, कोई वो हाथ चुकन का कोई इशारा ना किया। मरदाना जी फिर भी कहन लगे भाई इन्हें कोई सेवा नहीं करनी, पर फिर भी गुरु ने भेजा मालक का हुक्म है, तो प्यास भी लगी हुई है, हुण ते भजाउणी पैणी आ, इहदी पाणी की मंग करनी पैणी आ। तो मरदाना जी किवें पाणी की मंग करदे ने, नाल ही उहने पुछ लिया तू कौण है कित्थों आया ते किहदे नाल आया। मरदाना जी ने सारी वार्ता दसी, मैं गुरु नानक दे नाल आया, सतगुर सच्चे पातशाह जी
ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੁਣ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰੱਜ ਕੇ ਹਾ ਰੱਜ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਪਾਣੀ ਮਾਨ ਵਲੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤ
सुन वाला पनीत ते कहन वाला हाथ मुंह धो के राजा का मुंह धो लिया हाथ धो ले ते पैर धो ले ते सुन वाला करदा पूर्ण इशनान जे किते गुरु दा दवे ध्यान ते समझे सिखी दी शान ते उहदे विच अनेक गुण गुरु आप पैदा कर दिंदा। गज के बुलाओ जी फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।